नमस्कार दोस्तों, इस सदी के महानायक दिलीप कुमार, जिन्हें लेजेंड के नाम से भी जाना जाता है बॉलीवुड में, इतनी बेहतरीन बेहतरीन उन्होंने पिक्चरें करी है, चाहे फिर उनकी डांस की बात कर ले या उनकी एक्टिंग की बात कर ले, किसी चीज़ की भी बात कर ले, दिलीप कुमार सबसे नंबर वन में रहा करते हैं। उन्हें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी ऑफ़र हुई है, हॉलीवुड की भी फिल्में ऑफ़र हुई है उन्हें। उन्हें एक बार 7 ऑस्कर जीतने वाले डायरेक्टर ने भी ऑफ़र किया था, डेविड लीन ने एक मूवी ऑफ़र किया था और उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उनका हमेशा से ये मानना था कि एक्चुअली उन्हें हॉलीवुड फिल्में भी पसंद नहीं आती थी और उनका ये मानना था कि मैं हिंदी फिल्मों में ही काम करूँगा और मैं उन सब फिल्मों में ठीक नहीं बैठता हूँ, मैं ऐसा बाहरी किरदार लगूँगा उसमें, अच्छा नहीं लगूँगा, उनका सीधा सीधा ये मानना था। दिलीप कुमार ने बॉम्बे टॉकीज़ की जो मालकिन थी देविका रानी, उनकी नज़र दिलीप कुमार पे गई और उन्होंने बोला कि एक्टिंग करोगे, तो दिलीप कुमार ने बोला कि मुझे नहीं आती, तो बोले सीख जाओगे। और फिर पर्दे के पीछे दिलीप कुमार ने 1250 रुपये में महीने 1250 रुपये महीने की सैलरी में काम किया और ऐसे फिर वहीं से उनका एक्टिंग का दौरा और ये सब चालू हुआ। उनका बहुत लंबा अफेयर चला था मधुबाला के साथ, जो भी बहुत सुंदर एक्ट्रेस मानी जाती है, उनके साथ उनका काफ़ी सालों तक इनफैक्ट अफेयर रहा और ये भी कहते हैं कुछ लोग कि उनकी सगाई भी हो गई थी, परंतु उनके पापा मतलब मधुबाला के पापा के विवाद के कारण उनकी सगाई टूट गई और फिर सायरा बानो के साथ इन्होंने शादी कर ली, जो उनसे 22 साल छोटी थी। ये भी कहा जाता है, बहुत कंट्रोवर्सी मिली थी कि सायरा बानो जो उनसे 22 साल छोटी है उनसे इन्होंने शादी कर ली और बच्चे इन्होंने नहीं किए। इनका ये सायरा बानो का ये मानना था कि शाहरुख खान जो है वो दिलीप कुमार के बेटे, दिलीप कुमार और शाहरुख खान बहुत मिलते जुलते हैं, उनके बाल मिलते जुलते हैं, तो जब भी शाहरुख मिलने आते हैं मैं उनके बाल पे हाथ फेर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ही है वो, तो उन्हें उनका ये कहना है कि मेरा बच्चा नहीं, हम शाहरुख खान को ही अपना बच्चा मानते हैं और बहुत क्लोज भी है शाहरुख खान। और एक और जो फैक्ट, ये तो कई लोगों को खैर बात पता है कि मोहम्मद यूसुफ खान नाम था दिलीप कुमार का और उन्होंने एक एक्ट्रेस के कहने के कारण अपना नाम चेंज कर लिया था और वो पहले वामन कुमार या उदय कुमार भी नाम रखने वाले थे, देविका रानी जो एक्ट्रेस थी वो उनके कहने के कारण उन्होंने अपना नाम चेंज किया, वामन कुमार या उदय कुमार भी रखने वाले थे पर नहीं रखा। खैर आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स एंड हैप्पी बर्थडे टू दिलीप कुमार, वंस अगेन हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, और आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।